Dear students, today we will discuss some important objectives of the chapter linear equation in two variable. इसमें हम खाली objectives discuss करने वाले हैं of chapter linear equation in two variable of JK SSB Finance Accounts Assistant के syllabus में जो chapter है linear equation in two variable, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। वाई ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए कामा बी कामा सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब ऑप्शन में क्या है हमारे पास, दिस बी ए लीनियर इक्वेशन, वाई ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी आर नॉन जीरो। फर्स्ट ऑप्शन है, रिप्रेजेंट ए सर्कल इन ए प्लेन, क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है, रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स कर्व इन ए प्लेन, थर्ड ऑप्शन है, एंड नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, इट इज सिंपली ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। इसका आंसर है, दैट इज इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, द लीनियर इक्वेशन, यहां अगेन वी हैव लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर ए सी आर रियल नंबर्स, ए सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स is not equal to zero. ये भी लीनियर इक्वेशन। इसके ऑप्शन से सेकेंड ऑब्जेक्टिव में रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, क्या ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इन ए प्लेन में। रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, parallel to y-axis, and fourth one option is none of these. It is linear equation, clearly it represents a straight line. Iska matlab first option bhi sahi hai, second option bhi sahi hai, and third option bhi sahi hai. Lekin correct option kaun sa hai? We have here ax is equal to c, y is absent here. This can be written as ax plus 0 into y is equal to c. This particular linear equation represents a line parallel to y axis.